दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर क्या इनका अस्तित्व वास्तव में होता है? जब भी आप रात में अंधेरे में होते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो? आज मैं आपको विज्ञान और धार्मिक आधार पर बताऊंगा कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। कृपया वीडियो को पूरा देखने के बाद ही तत्पूर्वक कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कई लोग कहेंगे कि ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा रुकिए। इस वीडियो में विज्ञान की भाषा में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। और हाँ, वीडियो पूरा देखना, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं, फिर साइंस की भाषा में बताऊंगा और हमारे वेद क्या कहते हैं इस बारे में अंत में चर्चा करूंगा, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन करते हैं वह भी समझ सकें और जो नहीं करते वह भी समझ सकें। पहले बात करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भाषा में। यह एक ऐसी टीम होती है जो भूतिया घटनाओं पर रिसर्च करती है। उनके हिसाब से मरे हुए इंसान की वह ऊर्जा जो शरीर के खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और अपनी मौजूदगी को किसी परछाई या शरीर के रूप में दिखाती है। जो भूतों पर विश्वास करते हैं उनके हिसाब से भूत उन लोगों की आत्मा होती है जो अपनी इच्छाओं को पूरा किए बिना ही मर जाते हैं और इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो जाती। ऐसी आत्माएं उन्हीं जगहों पर दिखती हैं जो उनसे जुड़ी होती हैं, जैसे कोई घर, कोई विशेष जगह। कभी कभी यह किसी व्यक्ति के अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से कभी कभी ये आत्माएं किसी इंसानी शरीर या किसी वस्तु के अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी हजारों नहीं, लाखों घटनाएं इस दुनिया में हो चुकी हैं। फिल्म जगत में भी भूतों के ऊपर कई सारी वीडियोस या मूवीज वगैरह बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ रियल भी होती हैं या फिर रियल इंसिडेंट से ली गई होती हैं, जैसे कि एग्जॉर्सिस्ट, जो कि 1973 की एक हॉलीवुड मूवी थी, और द कंज्यूरिंग, जो 2013 की एक मूवी थी। अगर आप भूतिया मूवीज देखने के शौकीन हो तो आपने इन मूवीज को जरूर देखा होगा। द कंज्यूरिंग मूवी के अंदर अंत में जो एक घटना होती है वह एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी आत्मा किसी भी शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ये भी मानना है कि यह किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है। द कंज्यूरिंग मूवी के अंदर आपने इस डॉल को जरूर देखा होगा जिसका नाम है एनाबेल। मूवी में तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखाई गई है, लेकिन असलियत में ये देखिए कुछ ऐसी दिखती है। और ये आज भी एक बंद कमरे के अंदर कैद है, जो कि दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक माना जाता है। भूतों के बारे में एक मान्यता और है, अगर उनको आपसे बात करना है तो वो आपके सामने आकर भी आपसे बात कर सकती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूतों को समय का कोई ज्ञान नहीं होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि भूतों की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती हैं? इसका उत्तर यह नहीं है कि किसी फिल्म की तरह सीन को डरावना दिखाने के लिए वह रात में आती हैं। असल दुनिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि रात के समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी कम होता है। इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से आत्माओं को उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइटम्स जैसे कि फ्रिज, कूलर, इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें या फिर ध्वनि इनको डिस्टर्ब कर देती हैं, और दिन के समय यह डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है।
परंतु रात के समय यह बहुत कम होती है और इसी कारण भूतिया घटनाएं अधिकतर रात में ही होती हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने यानी धार्मिकता की माने तो उनके हिसाब से आत्माएं होती हैं, परंतु विज्ञान कभी भी इस चीज को नहीं पकड़ सकता। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह विज्ञान की समझ से परे है। जैसा कि आइंस्टाइन ने अपने ऊर्जा के सिद्धांत में यह जरूर कहा है कि ऊर्जा कभी नहीं मरती, ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। और कई लोगों का मानना है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा या फिर ऊर्जा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान हमेशा यही कहता है, ऊर्जा ना बन सकती है और ना ही मिट सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई मरता है तो वह फिजिकली कभी नहीं मरता, यानी कि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो मर जाता है परंतु उसकी आत्मा या उसकी ऊर्जा हमेशा इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में जरूर रहती है। यदि किसी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाए तो वह डिकम्पोज होकर इस मिट्टी में मिल जाएगा और वही बाद में एक पेड़ बनेगा, और उसी पेड़ को जब जानवर खाएंगे तो वह ऊर्जा एक स्थान से दूसरी ओर जा रही है। कुल मिलाके कहना यह है कि ऊर्जा इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जाता, इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती। हमने फिजिकल बॉडी की तो बात कर ली, परंतु अब अगर आत्मा की बात करें तो वह कहां जाती है? दोस्तों, आत्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है यानी ऊर्जा है। दोस्तों, कभी आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? यह इंसान के लिए बहुत ही अजीब और गरीब एक्सपीरियंस है। इस संसार में कई लोगों का दावा है कि वो मर के भी जिंदा हो चुके हैं, और खासकर हमारे भारत में ऐसे हजारों केस हैं। इन लोगों के हिसाब से इन्हें मरने के बाद कुछ अजीब प्रकार की लाइट्स वगैरह दिखती हैं और फिर ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं, और इसे ही हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। कई लोगों ने इस एक्सपीरियंस में एंजल्स यानी परियों को देखने का भी दावा किया है। डंकन मैकडूगल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट का मरने से पहले वजन नापा और फिर उसके मरने के बाद उसका दोबारा वजन नापा, और जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क दिखा, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। हर बार सिर्फ एक ही नंबर 21 ग्राम इसी का डिफरेंस हर बॉडी में मिल रहा था, यानी मरने के कुछ देर बाद शरीर का 21 ग्राम वजन कहीं लुप्त हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है, पर लोगों को लगा कि यह थ्योरी सही नहीं है। लोगों को लगा कि मरने के बाद हो सकता है कोई साइंटिफिक कारणों से शरीर का इतना वजन कम होता हो, पर अजीब बात यह है कि जितनी बार भी इस एक्सपेरिमेंट को किया गया हर बार सिर्फ 21 ग्राम का वजन ही मिला। ये सोचने की बात है, ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ क्योंकि इसमें सच्चाई दिखती है, और ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि मरने के बाद कुछ तो है जो शरीर को छोड़कर चला जाता है। अब ये बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया के वह लोग जो इन पर विश्वास नहीं करते हैं उनका क्या कहना है। इनके हिसाब से मरने के बाद लोगों के दिमाग में कुछ केमिकल प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जिसके कारण इन्हें कुछ इल्यूजन दिखने लगता है, और इसको ही वो नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। पर सच क्या है और झूठ क्या है यह कोई नहीं जानता। इस दुनिया में हजारों लोगों का यह दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है या आत्माओं को देखा है। बहुत सी ऐसी फोटोज हैं जो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश की जाती हैं, उनमें से ज्यादातर तो फेक ही होती हैं। ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पोस्ट की जाती हैं। तो कंक्लूजन यह निकलता है कि अगर साइंस के लॉज को माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस का ही एक्सप्लेनेशन ग्रुप इनकी मौजूदगी को नहीं मानता। इनके हिसाब से यह दिमाग का एक भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को हम साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यह मानते हैं कि यह सच में होते हैं, और इन्हीं के चलते दुनिया में इतनी सारी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं
जिसमें बहुत सी आत्माएं किसी इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो इन सब चीजों पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यानी आत्माएं तो होती हैं। अब बात करते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर भूतों को कई कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला तो होता है भूत, उसके ऊपर आता है प्रेत, उसके ऊपर पिशाच और उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस। अगर आप इनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियोस चाहते हैं जिसमें मैं इन सभी को ठीक प्रकार से एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपकी राह चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल माकाली जन कल्याण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माई की।